एक्सरसाइज नंबर 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप पढ़ेंगे। अगर वो प्रॉपर्टीज़ हम नहीं करते तो हमारे पास 1.1 जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगी। तो हमारे पास हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर हैं। सबसे पहले हमारे पास एडिशन लॉज की प्रॉपर्टीज़ हैं। जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन। अब क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे ए भी बिलोंग करते हैं आर से। अब यहाँ पे आर क्या है, आर आपके पास कोई भी रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ आर हम क्या लेंगे। यहाँ पे आर जो हैं हमारे पास रियल नंबर हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, 1, 2, 3 सो ऑन, काउंटिंग में से कुछ भी जो हैं वो आर हो सकता है। अब आपने ए और बी कोई वैल्यू लेनी है। सपोज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं कि ए जो है वो आपके पास 3 है, जबकि बी जो है वो आपके पास 2 है, ठीक है। अगली सारी प्रॉपर्टीज़ में हम ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि फिर इस तरह इजी रहेगा आपको समझाने में, ठीक है। ए 3 ले लेते हैं, बी 2 है। अब वो कह रहा है ए प्लस बी भी आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 3 में 2 ऐड करते हैं, तो आपके पास इक्वेलेंट टू 5 आ जाता है, ठीक है। तो ये भी जो है ये आपके पास बिलोंग करना चाहिए आर से, यानी कि रियल नंबर होना चाहिए। ये हमारे पास है क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या है कि ए बी और सी 3 वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पे ये जो बिलोंग करनी चाहिए आर से, आप बी और सी को ऐड करें, उसमें ए को ऐड कर दें, या ए बी को ऐड करके उसमें सी को ऐड कर दें, तो आपके पास इनका आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ए हमने 3 लिया था, बी हमने 2 लिया था, सी हम कह देते हैं कि हम इक्वेलेंट टू 1 लेते हैं, ठीक है। ऐड करें, यहाँ पे ए की जगह आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस बी आपके पास 2 था, प्लस सी आपके पास 1 है, इक्वेलेंट टू ए की वैल्यू आपके पास 3 थी, प्लस बी की वैल्यू आपके पास 2 थी, प्लस सी की वैल्यू 1 थी, यानी कि इस इक्वेशन में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। अब ऐड करके देखते हैं, 2 और 1 यहाँ से आपके पास 3 आ जाएगा, प्लस ये वाला 3 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वेलेंट टू ये आ गया। इस 3 और 2 को ऐड किया तो आपके पास 5 आ जाएगा, प्लस ये वाला 1 आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। 3 और 3 को ऐड करें आपके पास 6 आ जाएगा, 5 और 1 को ऐड करें आपके पास 6 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास इक्वेलेंट आई हैं और दोनों बिलोंग करती हैं आर से, यानी कि रियल नंबर से। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है आपके पास वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ए जो है वो बिलोंग करता है आर से और 0 बिलोंग करता है आर से। आपने ए में 0 ऐड करना है या 0 में ए ऐड करना है, तो आंसर ए ही आ जाए। यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें आप कोई चीज़ ऐड करें तो आंसर वही आ जाए। यानी कि ए हम लेते हैं, ए हमने क्या लिया था, 3। 3 में हम 0 ऐड करते हैं या 0 में 3 ऐड करें, तो आपके पास आंसर 3 ही आ जाता है, यानी कि ए की वैल्यू ही आ जाती है। तो ये था आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे जो ये उल्टे ई का साइन है, ये स्टैंड करता है देयर एग्जिस्ट, कि यहाँ पे 0 एग्जिस्ट करता है रियल नंबर से, और 0 जो है हम कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट है एडिशन का, कि हम किसी भी एलिमेंट में जब 0 को ऐड करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहलाता है, यानी कि 0 को हम एलिमेंट ऑफ एडिशन भी कहते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन भी कहते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमारे पास क्या है कि ए जो है वो बिलोंग करता है रियल नंबर से, जबकि माइनस ए भी बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। तो हम अगर इन दोनों को ऐड करें तो आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाए, यानी कि ए हमारे पास थ्री था, इसमें हम ऐड करें माइनस थ्री को तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। या अगली लाइन ये देखें, माइनस थ्री में हम ऐड करते हैं थ्री को, तब भी थ्री में से आप थ्री निकालेंगे तो आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। यानी कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, हमने उसमें से माइनस कर देना होता है, आंसर आपके पास ज़ीरो आना चाहिए, हमने ऐसी वैल्यू को ऐड करना होता है कि आंसर ज़ीरो हो जाए, ठीक है। अगर माइनस थ्री होगा यहाँ पे, यानी कि ए आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल माइनस थ्री होगा, तो फिर हम जो माइनस ए है वो हम क्या करेंगे, माइनस और माइनस ये वाला माइनस मिला के प्लस थ्री लेंगे, ठीक है, ख़ुद से, यानी कि एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ए अगर नेगेटिव वैल्यू होगी फिर हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि हमने ऐसी वैल्यू को ऐड करना होता है कि आंसर हमारे पास ज़ीरो आए, यानी कि ये देखें इक्वेलेंट टू ज़ीरो क्या है ना, आंसर हमारे पास ज़ीरो आए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या है, ए प्लस बी जो है वो इक्वेलेंट होता है बी प्लस ए के, जैसे कि ए की वैल्यू हमारे पास थ्री थी, बी की वैल्यू हमारे पास टू थी, ठीक है, फिर इक्वेलेंट टू बी की वैल्यू हमारे पास टू है प्लस, ये देखें इस ए की वैल्यू पुट करेंगे ये हमारे पास थ्री है, थ्री और टू को ऐड करें फाइव आ जाएगा, इस टू और थ्री को ऐड करें तो फाइव आ जाएगा, ये हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। और इन दोनों को ऐड करके आंसर बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से, और फाइव हमारे पास रियल नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन लॉ में पहले हमने ऐड किया था दोनों को, तो वो थी क्लेयर लॉ ऑफ एडिशन। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास होगा क्लेयर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए बी दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर बिलोंग करे आर से। ए हमारे पास थ्री था इंटू बी हमारे पास टू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिक्स आ जाता है, और ये आल्सो जो है बिलोंग करता है आर से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये भी सेम वैसे ही है जैसे एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन था, एडिशन में हमने मल्टीप्लाई किया था, सॉरी एडिशन में हमने ऐड किया था, मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास है ए बी और सी बिलोंग करते हैं आर से, जबकि बी और सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर लें या ए और बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर सेम आता है। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए की वैल्यू थी हमारे पास थ्री, बी की वैल्यू थी हमारे पास टू, सी की वैल्यू थी वन, इक्वेलेंट टू ए की वैल्यू थी हमारे पास थ्री इंटू बी की वैल्यू थी हमारे पास टू और सी की वैल्यू थी वन, टू वन ज़ार आपके पास टू आ जाएगा, टू को इस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो ये थ्री है तो ये आपके पास सिक्स आ जाएगा। सिमिलरली थ्री टू ज़ार सिक्स, सिक्स को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सिक्स आ जाएगा, यानी कि इक्वेलेंट आ जाएंगे। ये थी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। पहले हमने पढ़ा था एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें क्या था कि आंसर हमने कोई ऐसी चीज़ ऐड करनी थी कि आंसर ज़ीरो आ जाए। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर वही आ जाए। एडिटिव में भी हमने किसी ऐसी चीज़ को ऐड करना था कि आंसर वही आ जाए, मल्टीप्लाई में हमने किसी ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि आंसर वही आ जाए। तो ए को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास देखें वही आ जाएगा, ठीक है, यानी कि ए था थ्री, इसे वन से मल्टीप्लाई करें या वन को आप थ्री से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपके पास थ्री ही आ जाएगा, ठीक है। तो थ्री वन ज़र थ्री, ये देखें यहाँ पे थ्री वन ज़र थ्री, वन थ्री ज़र थ्री, आंसर थ्री आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन होती है। एडिटिव आइडेंटिटी आपके पास ज़ीरो थी कि किसी भी चीज़ में आप ज़ीरो को ऐड करते थे तो आंसर वही आ जाता था। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपके पास वन है कि किसी भी वैल्यू को जब आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आ जाएगा। जिस तरह ज़ीरो था
एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट, इस तरह वन जो है वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या था, हमने नेगेटिव वैल्यू को ऐड करना होता था, ठीक है, यानी कि आंसर ज़ीरो लाना होता था। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमने आंसर वन लाना होता है, यानी कि ए की वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें, ए जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से लेकिन ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए इनवर्स भी रियल नंबर होना चाहिए। अब ए की वैल्यू है हमारे पास थ्री, ठीक है, यहाँ पे ए आपके पास थ्री आ जाएगा, तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आएगा, ए इनवर्स हमारे पास आएगा वन बाय थ्री, ठीक है, या थ्री की पावर माइनस वन, ठीक है, इनवर्स इसको शो कर रहे हैं ना, तो ये जो पावर माइनस वन है ना, जब ये पॉजिटिव होती है तो ये वन बाय थ्री हो जाती है, यानी कि थ्री का जो इनवर्स है वो वन बाय थ्री है। इसे आप वन बाय ए भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए थ्री को जब हम वन बाय थ्री से, यानी कि ए को ए इनवर्स से या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वन आ जाएगा, थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपके पास इक्वेलन टू वन के आ जाएगा। आप वन बाय थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करें तब भी ऐसा ही होगा, आंसर वन आ जाएगा। ये देखें, यानी कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमने किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है कि आंसर वन आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता था, ए और बी दोनों जो हैं बिलोंग करते थे आर से, ए और बी को ऐड करते थे या बी और ए को ऐड करते थे, आंसर सेम आता था। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया है तो हमने मल्टीप्लाई करना है, इनके नाम सेम है, एडिशन में जस्ट ऐड करना है, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई करना है। ए हमारे पास क्या था, ए हमारे ए की वैल्यू हमारे पास थी थ्री, ठीक है, बी की वैल्यू थी टू, बी की वैल्यू थी टू, ए की वैल्यू थी थ्री, दोनों को मल्टीप्लाई करो ये भी सिक्स आ जाएगा और ये भी इक्वेलेंट टू सिक्स आ जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेलेंट आ जाएंगे। तो ये है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अगली जो चीज़ है, अगली चीज़ है हमारे पास थर्ड नंबर पे मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन लॉ, जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन इकट्ठे आ जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी, और तीनों बिलोंग करते हैं आर से, यानी कि रियल नंबर से। अब यहाँ पे देखें, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास, बी और सी को ऐड करके ए से मल्टीप्लाई करें या ए और बी को मल्टीप्लाई करें, फिर ए और सी को मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। यहाँ पे मैं आपको वैल्यूज पुट करके दिखाती हूँ, ए आपके पास थ्री था, बी आपके पास टू था, प्लस सी आपके पास वन था, इक्वेलेंट टू ए की वैल्यू आपके पास थ्री है, इसमें आप पुट करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे टू है, इक्वेलेंट टू ए की वैल्यू थ्री है और सी की वैल्यू वन है। अब थ्री टू में वन ऐड करें, आपके पास थ्री आ जाएगा, इस थ्री को इस थ्री से मल्टीप्लाई करें तो आंसर नाइन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नाइन आ जाएगा। अब हमने अगली साइड पे देखना है, थ्री टूज आर, यहाँ पे सॉरी प्लस आना था, थ्री टूज आर सिक्स है, प्लस थ्री वन आर आपके पास थ्री है। अब आपने इस सिक्स और थ्री को ऐड किया तो आंसर आपके पास नाइन आ गया, तो ये देखें ये भी नाइन है, ये भी नाइन है, तो दोनों आपके पास इक्वेलेंट आ गए। ये थी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन लॉ, ठीक है, ये लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब इसका सेकंड पार्ट भी है कि अगर आप ए और बी को पहले ऐड कर लो और फिर सी से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि फिर ए सी पहले आ जाएगा, जब आप इस ए को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे ए सी आ जाएगा, इस बी को इस सी से मल्टीप्लाई करेंगे बी सी आ जाएगा, फिर इन्हें ऐड कर लें तब भी आपके पास, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन और एडिशन लॉ होगा। अब इसमें भी ये जो चीज़ें हैं ये बिलोंग करनी चाहिए रियल नंबर से। अब अगला है ऑर्डर प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट लाइन में वो आपसे कह रहे हैं कि कंप्लीट जो है ना वो हायर क्लासेस में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब हम अगली देखते हैं प्रॉपर्टी,
नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वेलिटी। इक्वेलिटी किसे कहते हैं? इस इक्वल के साइन को जो है वो इक्वेलिटी कहते हैं। ये है हमारे पास इक्वल का साइन, इसे कहते हैं इक्वेलिटी। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए बराबर है ए के, ये है आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अगली है हमारे पास ए बी बिलोंग करते हैं आर से। अगर ए और बी बराबर हैं तो हम कहते हैं बी बराबर है ए के, यानी कि ए भी थ्री है बी भी थ्री है तो हम कहते हैं दोनों बराबर हैं। ये आपके पास है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए बी और सी तीनों बिलोंग करते हैं आर से। हम कहते हैं ए बराबर है बी का और बी बराबर है सी के, तो हम कह सकते हैं ए और सी बराबर है। ठीक है, यानी कि ये भी आपके पास थ्री है, बी भी थ्री है, सी भी थ्री है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ए जो है वो सी के बराबर है। ये थी आपके पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगली है आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? तीनों बिलोंग करते हैं आर से। ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही कि पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर रियल नंबर है। ए बराबर है बी के, अगर ए है हमारे पास थ्री, ठीक है, और बी है आपके पास टू, अगर आप इसमें सी की वैल्यू ऐड करते हो, ठीक है, सॉरी बी भी थ्री है क्योंकि बराबर है, इसमें सी की वैल्यू को आप वन को ऐड करते हो तो इसमें भी आप वन ऐड करोगे, थ्री वन ज़ार आपके पास फोर आ जाएगा, यहाँ पे भी थ्री वन ज़ार फोर आ जाएगा, यानी कि अगर दोनों तरफ आप सी ऐड कर दो तो ये इक्वेलेंट हो जाएंगे। ये आपके पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपके पास ए बी और सी बिलोंग करते हैं आर से। अगर ए और बी बराबर हैं, यानी कि ए भी थ्री है बी भी थ्री है, तो अगर आप सी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हो, सी हमने वन लिया था, यहाँ पे भी वन से मल्टीप्लाई कर देते हो, यहाँ पे भी वन से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो थ्री वन ज़र थ्री यहाँ आ जाएगा, थ्री वन ज़र थ्री यहाँ आ जाएगा, यानी कि सी ए और सी भी बराबर होंगे, ए सी और बी सी भी बराबर होंगे। ठीक है, यानी कि दोनों साइड पे अगर हम एक ही काम करते हैं तो ये इक्वेलेंट ही रहेंगे। ये था मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि अगर हम कुछ ऐड करते हैं दोनों तरफ, यहाँ पे देखें कुछ ऐड करते हैं तो वो कहलाती है एडिटिव प्रॉपर्टी, कुछ मल्टीप्लाई करेंगे हम तो वो कहलाएगी मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कि अगर हमारे पास ए इक्वेलेंट टू सी है, बी प्लस सी क्या है, तो अगर हम यहाँ पे भी माइनस सी कर दें, यहाँ पे भी माइनस सी कर दें, तो ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएगा पीछे, यानी कि जब सी सी कैंसिल हो जाएंगे ए इक्वेलेंट टू बी रह जाएगा। ये हमारे पास था कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगली है हमारे पास कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कि हमारे पास अगर हम यहाँ पे भी सी से डिवाइड कर दें, हम यहाँ पे भी सी से डिवाइड कर दें, ठीक है, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वेलेंट टू बी आ जाएगा। यहाँ पे आपने याद रखना है सी इक्वेलेंट टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर कुछ भी हो, ऊपर मसलन थ्री है, जब आप इसे ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमें अनडिफाइन या इन्फिनिटी देगा। ठीक है, ये अनडिफाइन होता है, इसीलिए सी कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आप कैलकुलेटर से देख लें, जब आप किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो वो सिंटैक्स एरर देगा आपको। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटीज़ प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपके पास ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी क्या है? इसमें भी ए और बी बिलोंग करने चाहिए आर से। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? ए बी सी बिलोंग करते हैं आर से। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, बी बड़ा है सी से, यानी कि ए है हमारे पास थ्री, बड़ा है बी है टू से, ठीक है, और बी जो है वो टू था, वो बड़ा है सी से यानी कि वन से, तो हम कह सकते हैं कि ए सी से बड़ा है, यानी कि ए की वैल्यू थ्री थी सी की वन थी, तो हम कह सकते हैं थ्री ग्रेटर देन है वन के। ठीक है, ये हमारे पास थी ट्रांजिस्टिव प्रॉपर्टी।
अब यही कंडीशन लेस में है, अगर ए जो है वो लेस देन है बी से, बी लेस देन है सी से, यानी कि ए को हम 1 ले लेते हैं, बी को 2 ले लेते हैं, ठीक है, और सी को 3 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, 1 लेस देन है 2 से एंड 2 लेस देन है 3 से, तो आप कह सकते हो ए सी से लेस देन है, यानी कि 1 जो है वो लेस देन है 3 से, कि एक छोटा है 3 से। अगली है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी तीनों वैल्यूज़ हैं जो बिलोंग करनी चाहिए आर से। अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, यानी कि 3 ग्रेटर देन है 2 से, तो हम दोनों तरफ सी की वैल्यू ऐड करते हैं, यहाँ पे भी प्लस 1 करते हैं और यहाँ पे भी प्लस 1 करते हैं, तो 3 में 1 ऐड किया, यानी कि सी की वैल्यू मैं 3 ले रही हूँ, 1 को ऐड किया 4 आ गया, ग्रेटर देन 2 और 1 को ऐड किया 3 आ गया, तो देखें 4 ग्रेटर देन है 3 से, यानी कि दोनों तरफ अगर हम सी को ऐड करते हैं फिर भी ये वैल्यू ग्रेटर देन ही रहेगी इधर वाली, अगर यहाँ पे ग्रेटर का साइन है तो। इसी तरह अगली प्रॉपर्टी है, अगर ए ग्रेटर देन है बी से, सी ग्रेटर देन है डी से, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ छोटी हैं, ये दोनों वैल्यूज़ बड़ी हैं, अगर छोटी वैल्यू में छोटी को ऐड करेंगे वो छोटी रहेगी, बड़ी वैल्यू में बड़ी को ऐड करेंगे वो बड़ी रहेगी, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस सी ग्रेटर देन है बी प्लस डी के। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर बी। अब इसी का सेकंड पार्ट है, यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्रेटर था, दोनों तरफ सी ऐड किया तो ये ग्रेटर साइन ही आएगा, अब यहाँ पे लेस साइन है, दोनों तरफ सी को ऐड करेंगे तो आपके पास लेस साइन ही रहेगा, ठीक है। अब बी में भी यही चीज़ है कि अगर तो यहाँ पे आपके पास ये ग्रेटर साइन है तो यहाँ पे ग्रेटर साइन आएगा, यहाँ लेस साइन है तो यहाँ लेस साइन आएगा, यानी कि ए लेस देन है बी के, सी लेस देन है डी के, तो अगर दोनों तरफ आप ए की वैल्यू ऐड करते हो, छोटी वैल्यू में इसमें ए में सी को ऐड करते हो, बी में डी को ऐड करते हो, बड़ी वैल्यू में बड़ी वैल्यू को ऐड करोगे तो ये ही बड़ी रहेगी, ये जिस तरफ इसका मुँह होता है ना, फेस होता है, उस तरफ ये ग्रेटर देन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि ए भी छोटी वैल्यू है, सी भी छोटी वैल्यू है, बी भी बड़ी वैल्यू है, डी भी बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू में छोटी को ऐड करेंगे तो वो लेस देन ही रहेगी, ठीक है। अगली है हमारे पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी में ए बी सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, यहाँ पे सी मस्ट ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए, यानी कि सी की नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये ना आप नेगेटिव ले लें। अब अगर ए ग्रेटर देन है बी के, यानी कि 3 ग्रेटर देन है 2 के, आप दोनों तरफ सी को मल्टीप्लाई करते हो, इधर भी, तो यहाँ पे भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 वन ज़ार 3 ग्रेटर देन 2 वन ज़ार 2, यानी कि 3 ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, ये वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर यहाँ पे लेस देन होगा तो फिर ये वैल्यू लेस देन ही रहेगी। अब यहाँ पे इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है, बी पार्ट है, ए बी सी बिलोंग करते हैं आर से, यहाँ पे सी लेस देन ज़ीरो है, सी लेस देन ज़ीरो होने का मतलब है सी नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि सी माइनस 1 भी हो सकता है, माइनस 2 भी हो सकता है, माइनस 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यूज, ज़ीरो से लेस का मतलब है कि सी की नेगेटिव वैल्यू है आपके पास, तो यहाँ पर ये दो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अगर ए बड़ा है बी से, तो जब आप इसे सी से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये लेस हो जाएगा, अगर ये लेस है तो ये ग्रेटर हो जाएगा, किस तरह, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ए की वैल्यू आपके पास है 3 ग्रेटर देन है 2 से, ठीक है, अब सी है माइनस 1, इसे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगी और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब नेगेटिव वैल्यू जितनी बड़ी होती है वो उतनी छोटी हो जाती है, और जो नेगेटिव वैल्यू जितनी छोटी होती है वो बड़ी हो जाती है, तो फिर ये साइन ख़त्म होकर ये आ जाएगा, यानी कि माइनस 3 लेस देन आ जाएगा माइनस 2 के। इसी तरह जब यहाँ पे लेस साइन होगा तो फिर ग्रेटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ देखें, अगर ए छोटा है और बी बड़ा है आपके पास, ठीक है, ए है आपके पास 2, बी है आपके पास 3, जब आप सी यानी कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 3 छोटा है तो ये साइन चेंज करके हम ये लगा देंगे, उल्ट हो जाएगा, माइनस 2 बड़ा हो जाएगा, माइनस 2 ग्रेटर देन है माइनस 3 से। नेक्स्ट है आपके पास इसका सी पार्ट, यहाँ पे देखें ए बी सी डी 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, बिलोंग करती हैं आर से। अगर
ए ग्रेटर देन है बी से, सी ग्रेटर देन है डी से, ठीक है। आप ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब दोनों छोटी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर कम आएगा, दोनों बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ज़्यादा आएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा ए सी ग्रेटर देन है बी डी के। सिमिलरली यहाँ पे ग्रेटर था तो यहाँ पे भी ग्रेटर आएगा, यहाँ पे लेस था तो यहाँ पे भी लेस आएगा। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट नोट है एनी सेट प्रोसेसिंग ऑल द अबव 11 प्रॉपर्टीज़ इज कॉल्ड अ फीड। ये जितनी ऊपर प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं ये फीड कहलाती हैं प्रॉपर्टीज़ की। सेकेंड में आपसे कह रहे हैं अगर आप दोनों साइड पे इक्वालिटी के दोनों साइड पे किसी पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो वो डायरेक्शन सेम रहती है, लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब हम 3 और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगी। थर्ड में वो आपसे कह रहे हैं ए और माइनस ए जो है वो एडिटिव इन्वर्स हैं, ठीक है। किस तरह, अगर आप ये है ना ए और माइनस ए, माइनस ए को अगेन उसका जब एडिटिव इन्वर्स लेंगे वो ए ही आ जाएगा, ठीक है। अगले चौथे नंबर पे वो आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है द लेफ्ट हैंड नंबर ऑफ द अबव इक्वेशन शुड बी रीड एज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए एंड नोट माइनस माइनस ए, कि नेगेटिव को नेगेटिव से ख़त्म कर देते हैं लेकिन माइनस माइनस ए से जो है वो ख़त्म नहीं होगा। फिर है आपके पास a इंटू 1/a के a इन्वर्स का, फिर आप अगर इन्वर्स लेना यानी कि 1/a को अगेन 1/a कर लें तो ये भी इक्वेलेंट टू a के होता है। ये किस तरह इक्वेलेंट टू a के होता है, देखें यहाँ पे 1/a था, ठीक है, 1/a था, इसे अगेन 1 से किया, अब ऊपर आपके पास 1 है, ये डिवाइड है, इसे जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू उल्ट हो जाती है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये उल्ट हो जाएगी, ए ओवर 1 हो जाएगा। ए को 1 से मल्टीप्लाई किया ए आ गया, 1 पे डिवाइड किया तो आंसर ए ही आ गया, यानी कि अगेन वही नंबर आ जाता है जब आप ए इन्वर्स का फिर इन्वर्स लेते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी क्लियर प्रॉपर्टी है, या वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है और या वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि आप बताएंगे इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और कौन सी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। पीछे मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है और मल्टीप्लिकेशन क्या है। हम क्या करेंगे, जो इसका अपना एलिमेंट होगा उसे अपने ही एलिमेंट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और प्लस भी करेंगे। अगर हमारे पास आंसर अगेन वही चीज़ आ गई ये तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। आप देखें यानी कि हमारे पास यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन जो है वो ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे एडिशन के लिए ज़ीरो को हम क्या करेंगे यहाँ पे ज़ीरो में ऐड करेंगे ज़ीरो, ठीक है, इसका आंसर आपके पास इक्वेलेंट टू ज़ीरो आएगा। अब देखें ज़ीरो बिलोंग करता है इसी से, यानी कि इसमें ज़ीरो है ना, ये बिलोंग करता है इस सेट से, ठीक है, ये ज़ीरो से बिलोंग करता है, तो हम कह देंगे कि ये जो है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। इसी तरह यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, पहले हम ज़ीरो को ज़ीरो से चेक करेंगे, ज़ीरो को -1 से चेक करेंगे, फिर -1 को -1 के साथ भी चेक करेंगे और -1 को ज़ीरो के साथ भी चेक करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको प्लेन पेज पे इसे सोल्व करना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है ज़ीरो, ठीक है, हमने क्या करना है एडिशन के लिए चेक करना है। मैं पूरा नहीं लिख रही, जस्ट ऐड लिख रही हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, ज़ीरो में प्लस करेंगे ज़ीरो को, ज़ीरो में ज़ीरो ऐड करें आपके पास ज़ीरो ही आ जाता है। ये आपके पास बिलोंग करता है इसी सेट से, यानी कि रियल नंबर से ही बिलोंग करता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है।
अब हमने मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं एम यू एल लिखूँगी। अब हम क्या करेंगे, ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, आंसर हमारे पास ज़ीरो ही आ जाता है। ये बिलोंग करता है इसी सेट से, ठीक है, तो हम लिखेंगे ये बिलोंग करता है इसी सेट से। तो ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी है, यानी कि ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। अब हम कैसे लिखेंगे, इन दोनों का आंसर आपके पास आया है ज़ीरो, यही आया है। हम लिखेंगे ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू किसके, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आप इसे इस तरह लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है वन। अगला क्वेश्चन है आपके पास वन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम ऐड करेंगे तो हमने क्या करना है, वन में वन को ऐड करना है, वन प्लस वन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है टू। अब देखें इस सेट में टू कहीं पे भी नहीं है, तो हम लिखेंगे ये आपके पास बिलोंग नहीं करता क्वेश्चन से, यानी कि जो रियल नंबर हमारे पास दिए गए हैं ये उससे बिलोंग नहीं करता। अब मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, वन को मल्टीप्लाई करेंगे वन से, ये आंसर आपके पास वन ही आ जाता है। अब देखें ये जो वन है ये इस चीज़ से बिलोंग करता है, ठीक है, क्वेश्चन से, तो हम लिखेंगे ये बिलोंग करता है वन से, तो आंसर में हम लिखेंगे ये क्लोज नहीं है, नॉट क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है, बट ये क्लोज है टू मल्टीप्लिकेशन के, मल्टीप्लिकेशन के तो ये क्लोज है लेकिन एडिशन के ये क्लोज नहीं है। अब देखें सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, इसका एडिशन चेक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ हैं, पहले हम अकेली अकेली का चेक करेंगे, यानी कि ज़ीरो में ऐड करेंगे ज़ीरो, आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। ये बिलोंग करता है, यानी कि इसमें ज़ीरो आ रहा है ना क्वेश्चन में, तो ये बिलोंग करता है इससे ज़ीरो और माइनस वन से, ठीक है। अब हम इस ज़ीरो में ऐड करेंगे इस माइनस वन को, माइनस वन किया, ज़ीरो में से माइनस वन करें माइनस वन आ जाता है, आप लिखेंगे ये भी बिलोंग करता है इसी सेट से। अब ज़ीरो और माइनस वन तो ख़त्म हो गया, अब हमने ये वाला माइनस वन ले लेना है, माइनस वन को पहले माइनस वन से चेक करना है, इन दोनों को ऐड करना है, आंसर आपके पास माइनस टू आ जाएगा। और ये देखें ये बिलोंग नहीं करता, माइनस टू तो हमारे पास इस सेट में कहीं नहीं आता, तो हम लिखेंगे कि नहीं बिलोंग करता, नोट एलिमेंट ऑफ ज़ीरो एंड माइनस वन, ठीक है। अब हमने माइनस वन को माइनस वन के साथ तो चेक कर लिया, इस माइनस वन को इस ज़ीरो साथ भी चेक करना है, ठीक है, कि इसका एलिमेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, माइनस वन में प्लस ज़ीरो करेंगे, माइनस वन में ज़ीरो ऐड किया तो आंसर माइनस वन आ जाता है, वो बिलोंग करता है आपके पास इस सेट से, ठीक है। तो अब देखें इसमें एक आपके पास ये नॉट बिलोंग टू आ गया है। अब अगर एक भी वैल्यू यहाँ पे ये देखें ये नॉट बिलोंग टू आ गया है, अब एक भी वैल्यू आपके पास नॉट बिलोंग टू अगर आ जाती है तो हमने कहना है ये नॉट क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के, ये एडिशन के क्लोज नहीं है। अब हमने इसी में सेम मल्टीप्लिकेशन चेक करना है, अब हम इसमें मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास एक ही एलिमेंट है ज़ीरो, ठीक है, हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाता है। अब देखिए ज़ीरो इस सेट से बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे बिलोंग करता है ये ज़ीरो और माइनस वन से, ठीक है। अब हमने इस ज़ीरो को इस माइनस वन के साथ चेक करना है, तो हम ज़ीरो को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से,
ज़ीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई करें, आंसर ज़ीरो ही आ जाता है। और अब देखें, ज़ीरो भी चूँकि इस सेट में आता है तो ये बिलोंग करता है आपके पास ज़ीरो और माइनस वन से। उसके बाद अब सोच लें कि ये ज़ीरो आपके पास है ही नहीं है, जस्ट माइनस वन है। हमने माइनस वन को माइनस वन के साथ चेक करना है। माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस वन, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, कैंसिल हो जाता है। अब देखें, ये बिलोंग नहीं करता है क्योंकि इस सेट में माइनस वन कहीं पे भी नहीं है, तो ये बिलोंग नहीं करता ज़ीरो और माइनस वन से, ठीक है। उसके बाद हमने इस माइनस वन को, जो मैंने आपको माइनस वन बताया है, इस माइनस वन को इस ज़ीरो के साथ भी चेक करना है। तो माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो फिर बिलोंग करता है आपके पास ज़ीरो और माइनस वन से, ठीक है। अब इसमें एक आ गया नॉट बिलोंग टू, तो ये भी हम लिखेंगे नॉट क्लोज, ठीक है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, कि ये भी मल्टीप्लीकेशन के क्लोज नहीं है। अब देखें, चौथा पार्ट है हमारे पास वन एंड माइनस वन। सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमारे पास सिर्फ वन है, तो आप एडिशन चेक करना है आपने, तो आप वन प्लस वन करेंगे, ठीक है। वन प्लस वन इक्वेलेंट टू टू क्या है, ये एलिमेंट नहीं है इस सेट का, ठीक है, टू इसमें नहीं आ रहा इस सेट में, तो एलिमेंट नहीं है इस सेट का, तो हम लिखेंगे ये एलिमेंट नहीं है वन और माइनस वन का, ठीक है। अब वन को, इस वन को, ये जो पहला वन है इसे माइनस वन के साथ आपने चेक करना है, तो हम वन माइनस वन करेंगे, वन में से वन आप निकालेंगे, आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ये भी आपके पास एलिमेंट नहीं है, देखें इसमें ज़ीरो नहीं ना आ रहा, तो ये इस सेट का एलिमेंट नहीं है। हम लिखेंगे कि वन और माइनस वन का एलिमेंट नहीं है। अब आप सोच लें, ये वाला वन जो पहला वन है ये आपके पास नहीं है, जस्ट माइनस वन रह गया ये दूसरे वाला। अब माइनस वन को माइनस वन के साथ चेक करेंगे, माइनस वन में आप ऐड करें माइनस वन, माइनस माइनस दोनों प्लस करते हैं, माइनस वन को माइनस वन में ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा टू। दोनों वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस टू आएगा। अब देखें, माइनस टू भी एलिमेंट नहीं है इस सेट में, माइनस टू भी नहीं आता, तो माइनस टू भी एलिमेंट नहीं है वन और माइनस वन का, ठीक है, ये भी एलिमेंट नहीं है। अब आपने इस माइनस वन को इस वन के साथ चेक करना है, ठीक है, क्योंकि हमने हर वैल्यू को अपनी वैल्यू के साथ भी चेक करना होता है, दूसरी वैल्यू के साथ भी चेक करना होता है। तो माइनस वन में आप ऐड करेंगे वन, आपके पास आंसर आ जाएगा, ये वन वन से कैंसिल हो जाएगा, ज़ीरो आंसर आ जाएगा, और ये भी बिलोंग नहीं करता इस सेट से, ठीक है। सेम ये वाला सेट आप नीचे लिख देंगे, तो हम लिखेंगे नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे आप लिखेंगे नो, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेक करना है, ठीक है। अब हम मल्टीप्लिकेशन का पार्ट करेंगे, जस्ट समझ लें वन है आपको, पहले वन को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, आंसर वन आ जाएगा। फिर वन को इस माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वन मल्टीप्लाई माइनस वन आप करें, माइनस वन आ जाएगा। फिर हमने समझना है, अब हम दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं, इस एलिमेंट को अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो वन आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब इस माइनस वन को आपने इस वन से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, माइनस वन को आप मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो आंसर आपके पास माइनस वन आ जाता है। अब आपने सबके आगे लिख देना है, ये देखें वन भी इसमें आ रहा है, माइनस वन भी इसमें आ रहा है, वन भी आ रहा है, माइनस वन भी आ रहा है, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। तो ये सारे जो हैं वो बिलोंग करते हैं आपके पास, ये जो गिवन सेट है आपने सबके आगे लिख देना है, ये भी बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है, और ये भी बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे कि ये जो है ये क्लोज है, ये क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कि ये ये क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर टू है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग
इक्वेशन लेटर वेयर यूज रिप्रेजेंट द रियल नंबर, जहाँ पे लेटर यूज़ किए गए हैं वो आपसे कह रहा है रियल नंबर है। अब 4 + 9 इक्वेलेंट टू 9 + 4, ये किसके इक्वेलेंट है? ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है, जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड है, 1 + 3/4 इक्वेलेंट टू 1 + 3/4, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, स्केयर रूट 3 + √5 + √7 इक्वेलेंट टू, इस चीज़ की है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये आपके पास, ठीक है। ये जो पीछे हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है। अगली आपके पास प्रॉपर्टी है 4.1 में, अगर हम ऐड करते हैं -4.1, यानी कि ये 4.1 का इन्वर्स है -4.1, और हमने देखना है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं आंसर 0 आ जाता है, तो ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है आपके पास, कि एडिटिव इन्वर्स में हम उसी वैल्यू को जब किसी ऐसी वैल्यू साथ ऐड करते हैं कि आंसर 0 आ जाए, तो वो एडिटिव इन्वर्स होता है। अगला है, 1000 को मल्टीप्लाई किया है 1 से तो 1000 आ गया है, यानी कि किसी ऐसी वैल्यू से आपने मल्टीप्लाई किया कि आंसर वही वैल्यू आ गई है, तो ये है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4.1 में आपने ऐड किया है -4.1 को, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये, ठीक है, तो ये भी आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। नेक्स्ट है आपके पास, ए में से ए को माइनस किया है 0 आ गया है, ये भी आपके पास एडिटिव इन्वर्स है। अगला क्वेश्चन है, 2 को स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5 इक्वेलेंट टू स्केयर रूट 2 मल्टीप्लाई स्केयर रूट 5, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने थे। नेक्स्ट है आपके पास, ab - a × b - c, ab - a c, ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट है आपके पास, x - y × z, xz - yz, ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है। उसके बाद आपके पास है 4 × 5 × 8 इक्वेलेंट टू 4 × 5 × 8, ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास, a × a + b - d इक्वेलेंट टू ab + ac - ad, ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कि देखें a को पहले a से मल्टीप्लाई किया गया है, फिर a को b से, फिर a को d से, तो ये लेफ्ट साइड से हमने क्राइटेरिया स्टार्ट किया, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़, आपने बताना है आपने इसमें कौन सी इनइक्वालिटी यूज़ की है। अब देखें यहाँ पे -3 < -2 के, यहाँ पे आपके पास है -3 < -2 के, हमने यहाँ पे 0 करना है, ये देखें, तो अगर हम -3 में ऐड कर दें 3 को दोनों साइड पे, तो ये 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 निकालें तो आपके पास 1 आ जाएगा, यानी कि 0 < 1 आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, दोनों तरफ 3 को ऐड किया है, तो हम लिखेंगे ऐड 3 बोथ साइड्स, तो ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगला है आपके पास, -5 < 4 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखें -5 < 4 के, यहाँ पे आपको 20 चाहिए, आप 5 को ऐसे किस डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाए, 5 × 4 = 20 होता है, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 5 × 4 = 20, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -20, और ये < 16 से, कि जो -20 होता है ना, यहाँ पे माइनस भी आएगा, -20 छोटा होता है, वैसे 20 बड़ा होता है, 16 छोटा होता है, यानी कि अगर वैसे देखते ना तो 20 < था 16 से, लेकिन इसके साथ माइनस साइन आ गया, इसीलिए ये छोटा हो गया, ठीक है, -20 < 16 हो गया।
तो हमने यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लाई बाय प्लस फोर, हमने इसे प्लस फोर से मल्टीप्लाई किया, माइनस फोर से नहीं किया, तो ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वन ग्रेटर देन है माइनस थ्री से। अब यहाँ पे देखें आपके पास है वन ग्रेटर देन माइनस वन से, ठीक है, आपको यहाँ पे माइनस थ्री चाहिए। आप इसमें ऐसा क्या करें कि माइनस थ्री आ जाए, अगर हम इसमें से माइनस फोर कर दें, यहाँ पे भी माइनस फोर कर दें, तो वन में से फोर निकालें आपके पास थ्री आ जाएगा, बड़ी वैल्यू साथ माइनस है तो माइनस थ्री आएगा। ग्रेटर देन, अब माइनस माइनस हम प्लस करेंगे दोनों वैल्यूज़ को, फोर और वन को आप ऐड करें आपके पास फाइव आ जाता है, और चूँकि दोनों वैल्यू साथ माइनस आना है तो माइनस फाइव आएगा। अब आप कहेंगे थ्री बड़ा कैसे हो सकता है फाइव से, तो जब माइनस साइन आ जाता है ना, छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो फिर हमारे पास माइनस थ्री ग्रेटर देन आ जाएगा माइनस फाइव से। और यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने ऐड किया है माइनस फोर को दोनों साइड पे, सो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखें ए लेस देन है ज़ीरो से, यहाँ पे ए के साथ माइनस आ गया, अगर हम दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई करें तो ए के साथ माइनस आ जाएगा, ज़ीरो को जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास आंसर जो है मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन से, तो ये आपके पास है मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास ए बी है कि ए ग्रेटर देन है वन ओवर बी, ए ग्रेटर देन है बी के। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ वन ओवर ए बी से। जब आप ए को, जब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर ए बी से, ठीक है, बी को भी मल्टीप्लाई करेंगे वन ओवर ए बी से, तो ए ए से कैंसिल हो जाएगा, बी बी से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा वन ओवर बी ग्रेटर देन है वन ओवर ए के। तो अब देखें यहाँ पे वन ओवर ए पहले लिख लिया है, इस तरफ लेस देन का साइन है तो लेस देन आ गया, वन ओवर बी बाद में लिख लिया है, यानी कि आपके पास आ गया है वन ओवर बी ग्रेटर देन है वन ओवर ए के, इस टर्म को हमने पहले लिख लिया है तो आ गया वन ओवर ए, ये लेस देन का साइन है तो लेस देन, फिर इस वन ओवर बी को हमने यहाँ लिख लिया है, तो ये आपके पास आ गया है जो हमें रिक्वायर्ड था, यानी कि ये चीज़ आपके पास वन ओवर ए लेस देन है वन ओवर बी रिक्वायर्ड थी, यही चीज़ आपके पास आ गई है। तो हम इसे कहेंगे ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है या इनवर्स प्रॉपर्टी है। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, क्योंकि हमने इसे वन ओवर ए बी से मल्टीप्लाई किया। इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे है, ए का इनवर्स वन ओवर ए होता है, बी का इनवर्स वन ओवर बी होता है, यानी कि हमारे पास इनके इनवर्स भी आ गए हैं, इसलिए हम कहेंगे ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी या इनवर्स प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आपके पास ए ग्रेटर देन है बी के। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, तो यानी कि दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी। लेकिन जब ये ग्रेटर देन साइन है, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी हो जाती है, बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है, तो ये ग्रेटर देन का जो साइन था ये लेस देन में चेंज हो गया है, तो आपके पास आ गया है माइनस ए लेस देन है माइनस बी के, और ये आपके पास मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। अगर आपको इससे रिलेटेड बाकी के क्वेश्चंस चाहिए तो आपको क्या करना है, जस्ट यूट्यूब ओपन करनी है, सर्च पे आ जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है ऑनलाइन मैथ लर्निंग। जैसे ही आप ऑनलाइन मैथ लर्निंग सर्च करेंगे, क्लिक करें, आपके पास कुछ पेज ओपन होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाएं, ये आपके पास चैनल आ गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर पहुँच जाएँगे। ये हम चैनल के होम पेज पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे ऊपर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे आ जाएं, यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट प्लेलिस्ट हैं, क्लास एट्थ का मैथ है, किड्स फन है, सेकंड ईयर की स्टेट है, डिस्क्रीट मैथ है, फर्स्ट ईयर की स्टेट है, मैथमेटिकल मेथड है, कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री कंप्लीट नोट्स हैं, अल्फ़ाबेटिक सॉन्ग है किड्स के लिए,
एनटीएस सीएसएस के पेपर्स आपको मिल जाएंगे, एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के स्टैट के एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, चैप्टर 4 है इंटीग्रेशन का, सेकेंड ईयर की मैथ है, जनरल मैथ है क्लास 10th का, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीएस ऑनर्स है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी है, फर्स्ट ईयर के मैथ के नोट्स हैं, आईकॉम स्टैट 2 है, यानी कि आपको कंप्लीट ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको इनमें से जो भी बुक चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखें आपको अरेंज वाइज जो है वो कंप्लीट बुक कंप्लीट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इस तरह आपको जो भी बुक चाहिए आप उस पर क्लिक करें तो आपको कंप्लीट अरेंज वाइज वो बुक मिल जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली लाइक कर लें, इसे अपने टीचर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर कर लें। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो पसंद आई या नहीं आई, आप इसमें क्या बेहतरी चाहते हैं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस चैनल को लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।